बदले मौसम के मिजाज की। दरअसल ठंड की तो दस्तक हो चुकी थी, लेकिन ठंड के बीच में जो मावट की बारिश है उसने अब ठिठुरन बढ़ा दी है। प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में जो बारिश हुई उसके साथ साथ ओलावृष्टि, उससे ठंड बढ़ गई है। बारिश और ओले गिरने से किसानों की मुश्किलें भी बढ़ गई हैं। कहीं पर किसानों के चेहरे मुस्कुरा रहे हैं तो कहीं पर निराश है। एक रिपोर्ट दिखाते हैं। प्रदेश में एक बार फिर से मौसम का मिजाज बदल चुका है। मौसम के बदलने के साथ ही ठंड भी बढ़ी है और ये 5 तस्वीरें प्रदेश के अलग अलग हिस्सों की हैं, जहां आप देख सकते हैं कि मौसम का मूड कैसे माइनस में चला गया है। कई जगहों पर बारिश भी हुई है। बीकानेर में शहर समेत आसपास के इलाकों में रिमझिम बारिश हुई है। मावट की इस बरसात से जहाँ ठंड में इजाफा हुआ है तो किसानों की फसलों को फायदा मिलेगा। वहीं श्री गंगानगर के घड़साना में देर रात बादल छाए रहे, इसके बाद बूंदाबांदी हुई। सुबह भी बारिश का दौर जारी रहा। वहीं चुरू जिले में मौसम ने अचानक करवट बदली, यहां घने काले बादल छाए हुए हैं। कोहरे ने भी दस्तक दे दी है, शीतलहर का दौर जारी है। तो नागौर के नजदीक भी भारी बारिश और ओलावृष्टि ने मौसम को काफी ठंडा कर दिया। गांठीलासर और डे गांव में भारी बारिश के साथ ओले गिरे, जिससे फसलों को काफी नुकसान पहुंचा है। मीनागौर में ओलावृष्टि से पशु पक्षी भी घायल हुए हैं। वहीं बारा के अटरू में किसानों के खेतों में पीले सोने के रूप में सरसों की फसल लहरा रही थी, मगर बदलते मौसम ने किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें बढ़ा दी। सरसों की खेती पर कोहरे और पाले की मार पड़ने की संभावना है। कोहरे के दौरान अगर पाला पड़ा तो फसलें चौपट हो सकती हैं। इससे किसानों को खेती खराब होने की चिंता सताने लगी है। बढ़ती ठंड से सरसों में रोली और महुआ रोग होने की संभावना है, मगर कृषि विभाग किसानों की सुध नहीं ले रहा। मौसम की तो कृषि विभाग के आते हैं या नहीं आते? अभी तो नहीं आए। सीकर जिले के खंडेला और आसपास के इलाकों में सुबह से ही हल्का कोहरा छाया रहा। कोहरे के बाद आसमान में बादलों की आवाजाही शुरू हो गई और दोपहर होते होते अचानक मौसम का मिजाज पूरी तरह से बदल गया। इसके बाद खंडेला कस्बे और आसपास के इलाकों में रुक रुक कर बारिश का दौर शुरू हुआ। इस समय खेतों में बोई गई फसल की बरसात की जरूरत है। फसलों के लिए सही समय पर हुई मावट की वजह से फसलों को नया जीवनदान मिल सकेगा। बारिश से किसानों के चेहरे पर भी रौनक लौट आई है। रुक रुक कर हो रही बरसात के कारण ठंड का असर भी देखने को मिला। यानी मौसम का अगर मिजाज यूं ही बदलता रहा तो राजस्थान में नशे जमाने वाली ठंड पड़ सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जहाँ तो एक तरफ तो पहाड़ी इलाकों पर जिस तरीके की बर्फबारी हो रही है उसका असर मैदानी इलाकों पर पड़ रहा है, लेकिन मैदानी इलाकों में बारिश ने भी ठंड में इजाफा कर दिया है। लोग ठिठुर रहे हैं। कई जगहों पर फॉग की अगर हम बात करें तो उस वजह से भी तस्वीरें अलग तरीके की दिखाई पड़ती हैं। विजिबिलिटी लो है, आने जाने में लोगों को दिक्कत हो रही है। लेकिन रेगिस्तान का जो इलाका है, पहाड़ों की बर्फबारी के बाद पिछले 12 घंटे के भीतर अगर देखें तो आफत भरे यहां पर रहे हैं। कई जगहों पर जोरदार बारिश हुई है। जिस तरीके से स्थितियां दिखाई पड़ रही हैं ठंड के मौसम में, कई जगहों पर बारिश की वजह से नुकसान भी हुआ है किसानों का। ओलावृष्टि भी दरअसल हुई है और इस वजह से काफी कुछ नुकसान की खबरें भी किसानों के लिए आ रही हैं, लेकिन चेहरे भी खिलखिला उठे हैं क्योंकि बारिश हुई है, कुछ फसलों को फायदा भी होगा। बात अगर सर्दी के मामले में अलग अलग इलाकों की जाए तो आप देखिए कि जो चारों तस्वीरें आप देख पा रहे हैं अलग अलग इलाके से जुड़ी हुई, लेकिन कमोबेश स्थितियां यही हैं क्योंकि अब कम से कम दिसंबर का आधा जो महीना है वो बीत चुका है। अब धीरे धीरे ठंड और ज्यादा शबाब पर जाने वाली है। और बीकानेर से जी मीडिया संवाददाता रौनक व्यास जुड़ गए हैं। तो जयपुर से अंकित तिवारी, लेकिन सीधे रुक करते हैं बीकानेर का। रौनक, निश्चित रूप से जो पर्यटक हैं वो सर्दियों के दिनों में उनकी आवाजाही बढ़ जाती है, लेकिन बारिश की वजह से थोड़ा सा उनका जो पर्यटन रहता है वो प्रभावित होता है। तो फिलहाल क्या कुछ स्थितियां आज बीकानेर में आप देख पा रहे हैं सर्दी से जुड़ी? Yani ay.
शायद रौनक तक आवाज नहीं जा पा रही है। जी बिल्कुल आशीष, देखिए पहाड़ों में जो बर्फबारी है उसका सीधा सीधा असर रेगिस्तान के इलाकों में हो, और एक बात समझनी होगी कि जब मौसम परिवर्तित होता है तो रेगिस्तान में सबसे ज्यादा असर देखने को मिलता है। अगर बात की जाए, चूंकि रेत सबसे ज्यादा गर्मियों में गर्म होती है तो सर्दियों में बहुत ज्यादा ठंडी हो जाती है, और उसी का असर है कि सर्दी अपने पूरे शबाब पर है। रौनक, आएंगे आपके पास और भी चर्चा करेंगे, वहां शायद कुछ तकनीकी वजह से आप तक आवाज देर तक पहुंच रही है। अंकित, आपके पास आते हैं, जयपुर में स्थितियां क्या कुछ आप देख पा रहे हैं? बारिश कई जिलों में हुई है, कई कुछ जगहों पर किसान खुश हैं, तो ओलावृष्टि की वजह से फसलों का नुकसान भी हुआ है। हम देख रहे हैं कि लगातार फसलों के खराबे को लेकर भी चर्चाएं चल रही हैं, तो फिलहाल बदले मौसम के मिजाज में क्या देख पा रहे हैं आप राजधानी के भीतर? देखिए, मावठ जहां अमृत है वहीं ओले आफत, दोनों ही राजस्थान की सरजमी पर देखने को मिल रहे हैं। विभिन्न इलाकों में बारिश हुई है जिसका असर सीधा किसानों के चेहरे पर मुस्कुराहट के रूप में देखने को मिल रहा है, लेकिन करीब 6 जिले ऐसे हैं जहां के किसान आंसू भी बहा रहे हैं। वहां ओलावृष्टि हुई है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने संज्ञान भी लिया है, संबंधित अधिकारियों को निर्देश भी दिए हैं, साथ ही कृषि विभाग के अधिकारियों को भी और राजस्व विभाग के अधिकारियों को कहा है कि आकलन करें कि कहां कहां खराबा हुआ है। लेकिन कुल मिलाकर अगर बात की जाए तो आज से सर्दी का एहसास बढ़ा है। जयपुर की बात करें तो तापमान न्यूनतम 10 डिग्री रहा है और अधिकतम तापमान की बात करें तो 21 डिग्री तक जा सकता है, लेकिन मौसम को देखते हुए आज कह सकते हैं कि आज की सर्दी का जो एहसास है, ये चाय है मेरे हाथ में और लगभग ये चाय पूरे जयपुर वासियों के लिए आज सुकून दे रही है। हल्की गर्माहट भरी जो चाय है उससे पूरे जयपुराइट्स हैं वो अपनी सर्दी दूर भगाने की कोशिश कर रहे हैं। सुबह सुबह में कई जगह पे अलाव तापते लोग भी हमें दिखे थे, इन लोगों से ही बातचीत करते हैं कि आज सर्दी का माहौल है किस तरह लग रहा है, बदला हुआ माहौल? हल्की हल्की बारिश से सर्दी और भी बढ़ गई है, अभी सुबह सुबह हम चाय पीने आए हैं। आपको देख के भी लग रहा है सोल वगैरह? हाँ, मेरी कपकपें छूट चुकी है अभी भी। आप क्या कहेंगे? बहुत तेज सर्दी है सर, बहुत तेज है। सर्दी से बिजनेस भी बढ़ा है हम, क्योंकि चाय वाले पूरे देश में एक हैशटैग भी चला था, चाय आज कुछ ज्यादा बिक रही है। हाँ जी बिल्कुल, पहले से ज्यादा है आज, सर्दी मौसम आके चाय पिलाओ भैया, गरम गरम चाय। तो क्या सर्दी में अदरक की क्वांटिटी बढ़ी है? बिल्कुल बढ़ी है साहब। चाय पीते हुए कुछ लोग भी हमारे साथ और भी हैं, उनसे भी हम कहेंगे। जयपुराइट्स लगातार आप देख रहे हैं दूसरी चाय आप पी रहे हैं। हाँ, क्योंकि मौसम बहुत ही अच्छा हो रहा है, बहुत ठंडक है और गरम गरम चाय पीने में बहुत मजा आ रहा है इस मौसम में यहाँ बैठ के, तो इसीलिए हम दूसरी चाय पी रहे हैं यहाँ। मौसम अच्छा होता है तो पर्यटन सीजन भी होता है, कोई पिकनिक का प्लान आज? बिल्कुल सर, यही सोच रहे हैं कि जाओ कहीं घूम के आ जाओ, बस चाय होनी चाहिए, मौसम बना रहा है। बिल्कुल चाय होनी चाहिए। और आपने एक, मैं खास प्रदेश के लिहाज से भी बताना चाहूंगा कि जयपुर, अलवर, भरतपुर, नागौर, सीकर और धौलपुर जो जिले हैं वहां पर जो मौसम विभाग है उसने चेतावनी भी दी है कि आज मौसम खराब रह सकता है। एक सबसे खास पहल राजस्थान के लिए पर्यटन उद्योग की, जैसा आप जिक्र कर रहे थे, हमारे साथ दामोदर हैं, पूरा पर्यटन कवर करते हैं। मौसम अच्छा हुआ है, जाहिर है पर्यटन सीजन में भी बहार होगी। जाहिर है क्योंकि बहार है, आज मौसम अच्छा है और पर्यटक स्थल जैसे खास तौर से आप नारगढ़ ले लो और आमेर फोर्ट ले लो, वहाँ पर आज युवाओं की ज़्यादा तादाद देखी जा सकती है क्योंकि मौसम के अनुसार लोग बाहर निकलते हैं। जयपुर राइड्स है, लोकल जो टूरिस्ट हैं वो भी आज एंजॉय करेंगे, पर्यटक स्थलों पर पहुँचेंगे। बिल्कुल, यानी कि आज कह सकते हैं कि जो मौसम सुहाना हुआ है, हल्की गुलाबी, पर्यटन के लिहाज से अनुकूल मौसम है शहर, और गुलाबी ठंड यहाँ की पहचान है, चाय का एक दृश्य हमने दिखाया है।